पश्चिम बंगाल भाजपा युवा मोर्चा के नगर निगम घेराव जुलूस पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया। भाजपा कर्मी एवं पुलिस के मुठभेड़ में कई भाजपा कर्मी बुरी तरह घायल हुए। भाजपा नेता राजू बंदोपाध्याय के साथ कई और भाजपा कर्मियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। घंटों मशक्कत के बाद पूरी ताकत के साथ भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस सफल रही। बताया गया राजू बंदोपाध्याय सहित 31 भाजपा कर्मियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। गौरतलब है कि राज्य में बढ़ते डेंगू के प्रकोप से आए दिन लोगों की मौत हो रही है। इसी को आधार बनाकर भाजपा युवा मोर्चा ने प्रशासन की विफलता के खिलाफ एक रैली निकाली थी। विभिन्न स्थानों से आए जुलूस को सेंट्रल एवेन्यू स्थित भाजपा कार्यालय से कोलकाता नगर निगम के मुख्य कार्यालय तक एक रैली कर जाना था। वहीं प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर रखी थी। कोलकाता नगर निगम पहुंचने वाली विभिन्न मार्गों पर बैरिकेड किया गया। पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दी गई। भाजपा ने आरोप लगाया कि हमारे शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस ने लाठीचार्ज की, आंसू गैस छोड़े और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया, जिसमें दर्जनों भाजपा कर्मी बुरी तरह घायल हुए हैं। कईयों को गिरफ्तार भी किया गया। भाजपा ने इसे लोकतांत्रिक अधिकार का हनन बताया। সামনে টিয়ার গ্যাস ফেলা হলো। भाजपा युवा मोर्चा द्वारा निकाले गए इस विरोध रैली में सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुरुष भाजपा कर्मी शामिल हुए थे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के नेतृत्व में निकाली गई यह विरोध रैली जैसे ही चांदनी चौक पहुंची, वहां पहले से ही पुलिस ने जबरदस्त बैरिकेड कर रखा था, जिसे भाजपा कर्मियों द्वारा पार करने के प्रयास के बाद पुलिस और भाजपा कर्मी के बीच मुठभेड़ आरम्भ हो गयी। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युवा शक्ति, कोलकाता। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।